जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर ली है। इसके बाद अब उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख पर बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष आर्टिकल 370 पर खामोश रहने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा है मौजूदा केंद्र सरकार के तहत इसे बहाल करने की उम्मीद करना मूर्खता होगी। गौरतलब है कि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन ने 48 सीटें अपने नाम की हैं। उमर अब्दुल्ला जल्द ही मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा राजनीतिक रुख नहीं बदलेगा। हमने कभी नहीं कहा कि हम अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर चुप रहेंगे या यह अब हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने हमेशा से कहा है कि धारा 370 को हटाने वाले लोगों से इसे वापस पाने की उम्मीद करना बेवकूफी है। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली पर बातचीत तब तक संभव नहीं है जब तक कि केंद्र की सरकार नहीं बदलती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बदल जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निजाम बदला जाएगा और एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम इस मुद्दे पर बात कर सकेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल कर सकेंगे। जहां कांग्रेस के राहुल गांधी ने कई मौकों पर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया विशेष दर्जा वापस दिलाने की लड़ाई जारी है, वहीं उमर और उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की राय इससे अलग है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ हैं, लेकिन उनका मुख्य ध्यान क्षेत्र के विकास पर है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। इस बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव बेहद खास रहा। लोगों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के निर्णय को घाटी के लोगों ने नकार दिया है। लोगों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि उनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे नतीजे आने के बाद से धारा 370 को रिस्टोर करने की राजनीति करने वाले लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त तो मिला ही है, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुखरता के साथ इस मुद्दे को उठाएगी। फिलहाल घाटी में जिस प्रकार से जनता ने पीडीपी समेत अन्य क्षेत्रीय दलों को नकारा है, उससे एक चीज जो निकल कर सामने आ रही है, लोगों ने स्थानीय मुद्दे के अलावा राष्ट्रीय मुद्दे को भी ध्यान में रखकर वोटिंग किया है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।